हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के पेपर टू के लिए अगले वीडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कृतिका भाग दो पुस्तक का अगला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3। उस चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हम लोग लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे इस चैप्टर की कहानी का, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, और अंत में इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये वीडियो नंबर 8वां है। हम लोग उत्पाद सिपाही का कंप्लीट जो पेपर 2 का वीडियो है वो 13 वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आरंभ करते हैं मधु कंकड़िया जी के जीवन परिचय से। इन्होंने साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर लिखे हैं, जो कि कृतिका भाग दो पुस्तक का तीसरा अध्याय है। देखिए, मधु कंकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। ठीक है, मधु कंकरिया जी का जन्म कब हुआ? 1957 में। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किए। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पताखोर, यह एक क्या है, उपन्यास है, सलाम आखिरी, और खुले गगन के लाल सितारे, और बीतते हुए, और अंत में ईशु। ये सब कहानी संग्रह है। पताखोर क्या है? उपन्यास है। सलाम आखिरी, ये भी क्या है, ये सब कहानी है। खुले गगन के लाल सितारे कहानी है, बीतते हुए और अंत में ईशु ये सब कहानी है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु कंकड़िया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलत समस्याओं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत और लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण सारांश देखेंगे। ठीक है, तब हम लोग चैप्टर को आरंभ करते हैं। तो चलिए हम लोग सारांश देखते हैं। महानगरों की भाव शून्यता और भागम भाग और यंत्रवत जीवन की उब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है। ठीक है, मतलब महानगरों में जो भागम भाग है, ठीक है, यंत्रवत है, और जीवन से उब करके मधु जी क्या करते हैं कि यात्रा करने के लिए ठानते हैं। ठीक है, और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में शब्दबद्ध किया है, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, इन्होंने जो जो यात्रा में देखा, ठीक है, जहाँ जहाँ गए उसके बारे में यात्रा वृत्तांत किए हैं इस चैप्टर में, साना साना हाथ जोड़ी में। पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा वर्णन है, यानी कि साना साना हाथ जोड़ी में। ठीक है, ये क्या है, गंगटोक शहर और उसके आगे के हिमालय के बारे में इसमें यात्रा वर्णन किया गया है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आँखों से निहार रहे हो। मतलब हिमालय पर्वत के जो सौंदर्य है उसके बारे में इन्होंने बहुत सुगमता से वर्णन किए हैं। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। ठीक है, और आगे है कि लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को ही रेखांकित करती है। मतलब इस चैप्टर में वहाँ के निवासी के मेहनत लिखे हैं, उनके अभाव के बारे में लिखे हैं और गरीबी के बारे में लिखे हैं। साथ ही यह भी बताना भी नहीं भूली कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है।
यात्राओं में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्वयं की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। अब हम लोग चैप्टर को आरंभ करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी, अध्याय नंबर 3, मधु कंकड़िया जी से लिखे हैं। देखिए, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंतुक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह भी, शाम भी और रात भी। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ अस्थगित था और अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। ठीक है, धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशोली, मैंने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखी थे। ठीक है, किसे सीखे थे? तो नेपाली युवती से। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। वहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंघा, जो हिमालय पर्वत का सिक्किम का सबसे ऊंचा चोटी है, वही कंचनजंघा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे चोटी है कंचनजंघा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादल के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंघा न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल, गंतोक से 149 किलोमीटर की दूर पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ मिलेगा? मैं बचकाने उत्साह से उससे पूछी थी। चलिए तो, जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की ही तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी एक पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। नारगे जो है वो बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी।
कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। आगे है कि हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए। जितेन बताने लगा इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चिस्खे बंसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंज तेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले हुए सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता के शुरुआत स्थल इसको मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या है? नारगे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। पेरर व्हील इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं जो है वो कैसी है? एक जैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप में वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय लग रहा था। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते यूं लगा रहा था कि जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुड़की निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झर झर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल,
मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकते चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने की संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जल धारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गए। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य से छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएँ और दुष्ट वासनाएँ इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, पर जितेन मुझे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, ऐसे बोलकर बोला कि चलिए। ठीक है, आगे देखिए कि अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं प्लास्टर उखड़े दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे कि किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। ठीक है, आगे है कि चित्र लिखित सीमय माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छंटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर में रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरत ही खूबसूरती, खूबसूरती ही खूबसूरत दिख रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोर लेते पिरुता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चेरवेती और समय की इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद, यही चलाए मान सौंदर्य संपूर्णता के उन क्षणों में। मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं
तद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृतांगिया के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा कि अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत और दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृभाव और श्रम साधना साथ साथ वहीं पर खड़े BRO यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चूहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उठा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार में छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जालों में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठा कर कट्टे रास्ते पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिवाइडेड डेट टू बिल्ड दीज रोड्स, आप ताबूत करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चों को कपड़ों में बांध कर पत्तों की तलाश में वन मन डोलती आदिवासी युवतियाँ, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थरी तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रही थी कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव यतना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है, ये वेस्ट एट रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, मन में ही मैंने सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर के पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं।
क्या स्कूली बस नहीं है, मैंने पूछा। मनी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा, बर्फीला ठीक है, यहाँ जीवन कठोर है, नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर में से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ता और भी संकरे होते जा रहे थे, कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना भी चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह पर लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बड़े की फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था, हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी, कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे, ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। इतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा, नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किमी परिधान है बोकू, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, नदी की तरफ उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहना रखा था, सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग में डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं खींच पड़ी थी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था, गगनचुंबी पहाड़ों के तल से सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग था। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित हो सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी से के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थर पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था, बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे, वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियों सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई, ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है, पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची, बहते पानी को अपने अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। अस्मृति में कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, क्या संकल्प करूँ, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी।
भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएँ बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानियों सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुगम्य, तीस्ता नदी की शांति धारा के सामने ही कल कल करती बहती हुई अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगा, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्टॉप नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, ठीक है, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लोग लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, ठीक है, और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ झुड़ूप कर लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत था। सब कुछ बादलमय था। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीत, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश। एक चूक और सब खलास, सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखे एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते ही फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नारगे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही
बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गया हो। नारगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर घिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी सी चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सौंधे मलाई सताउंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। उधर ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झन झन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए हो। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचनाओं की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा और अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मनी से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। वह क्या एक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएँ पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों की तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मनी ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़नीनों का ख्याल आ गया।
आत्मा की अनंत परतों को छिलता हुआ हमारा ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौज छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी ही दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान जो कि -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोग को बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, वैसा बोला। फेरी भी टूला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी एक फौज छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुनने लगे थे, हमारे यह जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं और जिन संकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्ते से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जान कितना कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही ख़त्म हो जा गए हों। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर, जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रूढ़ोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुँची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटाओं में हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांच होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं मैडम, इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना ही नहीं फल फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं, कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छींट कर बाहर गिर गए थे, जिस पर चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई, मैडम इसे खेदुम कहते हैं, यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया यहाँ देवी देवताओं का निवास है, जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? लेखिका ने पूछे। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़ नदी झरने हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक सुंदर है, मैंने कहा। गंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए, इसका असली नाम गंगटोक है, गंगटोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती
कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यहाँ तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्ष बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमता असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। मन ही मन मैं कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगा। सारांश हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे, अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि मधु कंकरिया ने किस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की? तो कोलकाता विश्वविद्यालय। पत्ताखोर किनकु उपन्यास है मधु कंकरिया का। लेखिका के सहयात्री कौन थे? मनी और जितेन। सलाम आखिरी खुले गगन के लाल सितारे बीतते हुए अंत में इसो किनकी कहानी संग्रह है मधु कंकरिया की। मधु कंकरिया की रचनाओं में किसकी नवीनता मिलती है? तो विचार और संवेदना की। जितेन ने हर मोड़ पर क्या लेने की बात कही? हेयर पिन बेंट। समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याओं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाके को पीड़ा आदि किनकी रचनाओं के विषय रहे हैं मधु कंकरिया जी का? लेखिका की गाड़ी देख कौन लिफ्ट मांगने लगे? स्कूल से लौट रहे पहाड़ी बच्चे। साना साना हाथ जोड़ी क्या है? यात्रा वृतांत है। साना साना हाथ जोड़ी किसका यात्रा वृतांत है? मधु कंकरिया का। पहाड़ी बच्चे प्रतिदिन कितने किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं? तो 3-3.5 किलोमीटर। तराई में कुल कितने स्कूल थे? केवल एक स्कूल था। महानगरों की भाव शून्यता और यंत्रवत जीवन की ऊब कंकरिया को कहाँ ले जाती थी? यात्राओं की ओर। साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ की यात्रा का वर्णन है? तो गंतों के हिमालय की यात्रा का। लेखिका को युथांग के रास्ते में क्या दिखाई दिए? तो काले यात दिखाई दिए। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंतोक है। मधु कंकरिया अपने यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ के निवासियों की मेहनत और अभाव और गरीबी को रेखांकित किया है? तो हिमालय। आगे है कि चाय बगानों में युवतियाँ क्या पहनकर चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी? तो बोकू पहनकर। कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं? तो हिमालय तक पहुँचने वाले रास्तों में। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका अद्भुत मेला है? तो पीड़ा और सौंदर्य का मेला है। बोकू क्या है? तो एक सिक्किमी परिधान है। युथांग जाने के दौरान रात्रि में लेखिका कहाँ ठहरती थी? तो लायुंग में ठहरी थी, ठहर गई थी लायुंग में। साना साना हाथ जोड़ी पाठ को पढ़ने के पश्चात किसका भाव जागृत होता है? अकेलापन और करुणा का। किसके मनोरंजन, ज्ञान वर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है? तो यात्रा का। लायुंग किस नदी के तट पर है? तो तीस्ता नदी के तट पर है। लेखिका के लिए हिमालय क्या बन गया था? दर्शन। लायुंग की सुबह कैसी थी? शांत और सुरगम्य थी। कौन हमें स्व की संकीर्णता से मुक्त करती है? घुमकड़ी। किस शहर का सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था? गैंगटोक का। लायुंग समुद्र तट से कितना ऊंचाई पर था? 14,000 फीट। लेखिका मधु कंकरिया सुबह की प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना हमरो जीवन तिम्रो कौशली किससे सीखी थी? तो नेपाली युति से। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है? तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। लायुंग में लेखिका क्या देखने के लिए बेचैन थी? तो बर्फ। लेखिका लायुंग के किस महीने में गई थी? तो अप्रैल महीने में। हमरो जीवन तिम्रो कौशली का अर्थ क्या है? तो मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका का सुबह कहाँ निकलता था? तो युथांग में। लायुंग में स्नोफॉल लगातार कम होने का कारण क्या था? प्रदूषण। सिक्किमी युवक ने लेखिका को कहाँ जाने पर बर्फ मिलने की बात कही? कटाओ।
लेखिका बालकनी में कौन सा पहाड़ देखना चाह रही थी? कंचनजंघा। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है? कंचनजंघा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? कटाओ को। कटाओ लायुंग से कितने फीट ऊंचाई पर था? तो 500 फीट ऊंचाई पर था। युमथांग जाने के दौरान लेखिका मधु कंकड़िया का ड्राइवर कम गाइड कौन था? जितेन नारगे। लेखिका को युमथांग के रास्ते में मिली सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक था? शांति अहिंसा का। लायुंग के कटाओं का सफ़र कितनी दूर था? तो 2 घंटे का। थैले में रखा महुआ कौन ग्रुप कर गया था? गाय। सिक्किम में किनकी बड़ी मान्यता थी? बुद्ध की। कैसी पताकाएं फहराई जाती थी बुद्धिस्ट के बाद? तो 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती थी। किसने कहा कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है? जितेन ने। मनी की दृष्टि से स्विट्जरलैंड कटाओ था, कटाओ और भी सुंदर था। जितेन के प्रश्न कैसा लग रहा था कि जवाब में किसने कहा? राम रोछो। लेखिका ने नए कार्य की शुरुआत में किस प्रकार की पताकाएं फहराई जाती है? रंगीन। जितेन नारगे की जीप में किसकी तस्वीर लगाई गई थी? दलाई लामा की। लेखिका को यात्रा के दौरान दुकानों पर किसकी तस्वीर लगी दिखाई गई थी? दलाई लामा की। लेखिका को बर्फ़ के दर्शन कहाँ हुए? कटाओ में हुआ था। कटाओ में कुल कितने दुकानें थी? एक भी नहीं था। कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर किस फिल्म की शूटिंग किया गया था? गाइड फिल्म की। तिब्बत के चीसखे बक्सन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंजते के साथ संधि पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किया गया था? कवि लॉन्ग स्टॉक पर। लेपचा एवं भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से है। किसने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों की अमंगल करने की रीति भूल जाता है? मिल्टन। सिक्किम किन देशों की सीमाओं पर स्पर्श करता है? चीन भूटान। लेखिका जब फौजी छावनियों पहुंची तब वहां का तापमान कितना था? -15°C। वी गिव आवर टूडे फॉर योर टुमैरो यह कहाँ लिखा गया था? फौजी छावनी पर। युमथांग की घाटियाँ किन फूलों से भरी हुई थी? प्रियुता और रूडेडेंड्रो के फूलों से। लेखिका को घूमता चक्र कहाँ दिखाया था? कुटिया में। जितेन ने लेखिका को किसके घुमाने के सारे पाप धुल जाने की बात कही है? तो प्रेयर व्हील के धर्म चक्र को। सैलानी झूम झुक कर कौन से गीत गा रहे थे? तो सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। युमथांग की घाटियाँ में किन जानवरों का दर्शन हुआ? बंदर का। लेखिका द्वारा सिक्किम युवती ने यह प्रश्न पूछने की क्या तुम सिक्किमी हो, उसने क्या उत्तर दिया? नहीं, मैं इंडियन हूँ। भारत में शामिल होने के पूर्व सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र रजवाड़ा था। तिस्ता नदी कहाँ से लेखिका के साथ थी? सिलीगुड़ी से। फेन उगलते झरने का क्या नाम था? तो 7 सिस्टर वाटरफॉल। छाया पहाड़ की वादियों में क्या लिखा था? तो थिंक ग्रीन लिखा था। पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते थे? तो सिर्फ चांदनी रात में। पत्थर पर किसके फुटप्रिंट थे? गुरु नानक के। जितेन ने किस स्थान को देवी देवताओं का निवास बताते हुए कहा कि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा मर जाएगा? खेदुम। सिक्किम की पहाड़ी में रहने वाले लोग किनकी पूजा करते थे? नदी पहाड़ और झरने की। पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठ के क्या कर रही थी? पत्थर तोड़ रही थी। और पहाड़ी औरतें के हाथ में क्या था? कुदाल और हथौड़ा था। पहाड़ी औरतें पीठ पर डोकू में क्या बांधी थी? बच्चा रखे हुए थे। पहाड़ी औरत क्या बना रही थी? रास्ता। गंतोक का असली नाम क्या था? गंतोक। गंतोक का क्या अर्थ होता है? पहाड़। युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय किसे जाता है? शेखर दत्ता को। लेखिका से किस विभाग के कर्मचारी ने कहा कि पहाड़ीनों रास्तों को चौड़ा बना रही हैं? तो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा था? एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेट विल्ड दीज रोड्स किसे मेहनत कस बादशाह का सर कहा जाता है? गंतोक को। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में झारखंड के किन जिलों के बारे में वर्णन किया गया है? पलामू और गुमला। लेखिका ने सिक्किम की पहाड़ी औरतों की तुलना झारखंड के किस जिले की आदिवासी युवतियों से किए हैं? पलामू गुमला। किसे देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी? घूमते हुए चक्र को। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य झकझोर दिया? पत्थर पर बैठकर पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ी औरतें। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं
वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला है, साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? वो है मधु कंकड़िया। मधु कंकड़िया का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? 1957 में हुआ था। मधु कंकड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। मधु कंकड़िया ने किस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। पता खोड किनका उपन्यास है? तो मधु कंकड़िया का। सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु, किनकी कहानी संग्रह है? मधु कंकड़िया की। मधु कंकड़िया की रचनाओं में किसकी नवीनता मिलती है? ठीक है, तो किसकी नवीनता मिलती है? वह है दोस्तों आपका विचार और संवेदना की। समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत और लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि किनकी रचना के विषय रहे हैं? तो मधु कंकड़िया जी का। साना साना हाथ जोड़ी है क्या है? यात्रा वृत्तांत है। आगे है, साना साना हाथ जोड़ी जी यात्रा वृत्तांत किनकी है? मधु कंकड़िया की। महानगरों की भाव शून्यता और यंत्रवता जीवन की उप कंकड़िया को कहाँ ले जाती है? तो यात्राओं की ओर ले जाती है। साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो गंतोक एवं हिमालय की यात्रा के बारे में यात्रा वृत्तांत किया गया है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? वह गंतोक है। आगे है कि मधु कंकड़िया ने अपनी यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ के निवासियों के मेहनत, अभाव और गरीबी को रेखांकित किया है? तो वो किए हैं, कहाँ के व्यक्तियों के बारे में बताए हैं? तो हिमालय के क्षेत्र के व्यक्तियों के बारे में बताए हैं। कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं? तो हिमालय तक पहुँचने वाले इलाकों में। आगे है रास्तों में, सॉरी, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका अद्भुत मेल दिया गया है? ठीक है, तो किसका अद्भुत मेल जो है इसमें किया गया है, वह है पीड़ा और सौंदर्य का। साना साना हाथ जोड़ी पाठ को पढ़ने के पश्चात किसका भाव जागृत होता है? ठीक है, तो अकेलापन और करुणा का भाव। किससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है यात्रा से? आगे है, कौन हमें स्वसंकीर्णता से मुक्त कराती है? तो घुमक्कड़ी। किस शहर का सुबह शाम रात सब कुछ एक जैसा था? ठीक है, तो किस शहर का था? वो था दोस्तों गंतोक शहर का। लेखिका मधु कंकड़िया सुबह की प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी गार्धो प्रार्थना हमरो जीवन तीमरो कौशली किससे सीखी थी? तो एक नेपाली युवती से सीखी थी। किससे थी? एक नेपाली युवती से सीखी थी। आगे है इसके बाद कि साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या होता है? तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। हमरो जीवन तीमरो कौशली का अर्थ बताना है। ठीक है, हमरो जीवन तीमरो कौशली का अर्थ बताना है, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से समर्पित हो, इसका मतलब हो गया। लेखिका को सुबह कहाँ निकलना था? ठीक है, लेखिका को सुबह कहाँ निकलना था? युमथांग में। लेखिका बालकनी से कौन सा पहाड़ देखना चाह रही थी? तो कंचनजंगा देखना चाह रही थी। आगे है कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? अरे बड़ी चोटी कौन है? कंचनजंगा है। क्या बालकनी से लेखिका ने कंचनजंगा पर्वत को देखा था? तो लेखिका ने कंचनजंगा पर्वत को नहीं देखा था। ठीक है, नहीं देखा था, ऑप्शन नंबर बी। गंतोक से युमथांग की दूरी कितनी है? वह 149 किलोमीटर। कितना? 149 किलोमीटर है। आगे है इसके बाद कि युमथांग जाने के दौरान लेखिका मधु कंकड़िया का ड्राइवर कम गाइड कौन था? जितेन नारगे था। आगे है, लेखिका को युमथांग के रास्ते में मिली सफ़ेद बौद्धिक पटक किसकी प्रतीक था? तो शांति और अहिंसा का प्रतीक था। सिक्किम में किनकी सबसे बड़ी मान्यता है? तो बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी मान्यता है। आगे है कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु में कितने श्वेत पत्रिकाएँ फहराए जाते हैं? 108 श्वेत पत्रिकाएँ फहराए जाते हैं। नए कार्य के शुभारंभ में कैसे पटकाएँ फहराए जाते हैं? तो रंगीन पटकाएँ फहराए जाते हैं। जितेन नारगे की जीप किसकी तस्वीर लगी हुई थी? दलाई लामा की। आगे है इसके बाद कि लेखिका को यात्रा के दौरान दुकानों पर किसकी तस्वीर लगी मिली थी? दलाई लामा की। कभी लोंग स्टोक नामक स्थान पर किस फिल्म की शूटिंग किया गया था? गाइड फिल्म का। तिब्बत के चीस खे बक्सन ने लेपचाओं के
सोमेन से कुंजतोक के साथ संधि पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किया था? तो कवि लोंगस्टोक पर। कहाँ? कवि लोंगस्टोक पर। आगे है, लेपचा एवं भूटिया जनजाति कहाँ के जनजाति हैं? तो सिक्किम के। लेखिका को घूमता चक्र कहाँ दिखा था? तो कुटिया में दिखा था। जितेन ने लेखिका को किसके घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं? तो धर्म चक्र को। आगे इसके बाद है आगे दोस्तों कि सॉरी प्रेयर व्हील को, किसको? प्रेयर व्हील को घुमाने से। आगे है कि सैलानी झूम कर कौन सा गीत गा रहे थे? सुहाना सफ़र और मौसम हंसी गीत गा रहे थे। तीस्ता नदी कहाँ से रेखिका के साथ थी? सिलीगुड़ी से। फेन उगलते झरने का नाम क्या था? सेवन सिस्टर वाटरफॉल। क्या नाम था? सेवन सिस्टर वाटरफॉल, ऑप्शन नंबर सी। छाया पहाड़ की वादियों में क्या लिखा था? थिंक ग्रीन। क्या लिखा था? थिंक ग्रीन लिखा था। पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर क्या कर रही थी? तो रास्ता बनाने के लिए पत्थर तोड़ रही थी। आगे है इसके बाद कि पहाड़ी औरतें के हाथ में क्या था? तो कुदाल था और हथौड़ा था। आगे है कि पहाड़ी औरतें की पीठ पर डोकू में क्या बंधा हुआ था? तो बच्चे उसको रखे गए थे, बच्चे को। पहाड़ी औरतें क्या बना रहे थे? रास्ता बना रहे थे। आगे है कि लेखिका से किन विभाग के कर्मचारी ने कहा कि पहाड़ियों रास्ता को चौड़ा बना रही है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, किसने बोले थे? वो बोले थे बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि BRO ने। सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा था? सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा था? वो लिखा था एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेट विल्ड दीज रोड्स। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में झारखंड के किन जिला के बारे में वर्णन है? तो प्लामू और गुमला का। किसका? प्लामू और गुमला का। लेखिका ने सिक्किम के पहाड़ी औरतों की तुलना झारखंड के किस जिलों के आदिवासी नीतीश किए थे? तो प्लामू गुमला के आदिवासी नीतीश किए थे। लेखिका के सहयात्री कौन थे? तो मणि और जितेंद्र थे। कौन थे? मणि और जितेंद्र थे। आगे है, लेखिका को झारखंड के पलामू और गुमला जिले के पत्तों की तलाश करती आदिवासी युवतियों एवं सिक्किम के पत्थर तोड़ती पहाड़ियों में क्या एकरूपता नजर आई थी? ठीक है, क्या एकरूपता उन दोनों में नजर आई थी? वो आई थी आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव एवं पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में ठाठे। जितेन ने हर मोड़ पर क्या लेने के लिए कहा था? हेयर पिन बेंट लेने के लिए बोला था। आगे है, लेखिका की गाड़ी देखकर कौन लिफ्ट मांगने लगे थे? तो स्कूल से लौट रहे पहाड़ी बच्चे। पहाड़ी बच्चे प्रतिदिन कितने किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते थे? तो कितने किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के जाते थे? 3.5 किलोमीटर। आगे है कि तराई में कुल कितने स्कूल थे? तो केवल 1 स्कूल था, ओनली 1। लेखिका को पहाड़ी रास्ते में कौन सी चेतावनी खतरों के प्रतीक सजग कर रही थी? ठीक है, कौन सी सजग कर रही थी? तो वो जो सजग कर रही थी वो थी आपका धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वी केयर, मैन इंटर अराउंड, ए बी दोनों। आगे है कि लेखिका ने युमथांग रास्ते में क्या दिखे थे? तो उसको देखे थे याक। क्या दिखे थे? याक देखे थे। चाय बागानों में युवतियाँ क्या पहनकर चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी? तो बोकू पहनकर। बोकू क्या है? तो एक सिकमी परिधान है। क्या है? सिकमी परिधान है। आइए, युमथांग जाने के दौरान रात्रि में लेखिका कहाँ ठहर गई? ठीक है, लेखिका कहाँ ठहर गई? तो लायुंग में ठहर गई। लायुंग किस नदी के किनारे था? तो तीस्ता नदी के किनारे था लायुंग। किसके नदी के? तीस्ता नदी किनारे। लेखिका के लिए हिमालय क्या बन गया था? तो लेखिका के लिए हिमालय दर्शन बन गया था। लायुंग की सुबह कैसी थी? तो जो लायुंग की सुबह थी वो अशांत बेचैन थी, शांति एवं सुरगम में थी, बादल से भरी थी कि उपयुक्त सभी था? तो कौन था? शांत और सुरगम में था। क्या था? शांत और सुरगम में था। लायुंग के लोगों की जीविका का साधन क्या था? तो था पहाड़ी आलू, धान की खेती, दारू के व्यापार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊपर था? तो 14,000 फीट ऊपर था। आगे है कि लायुंग में लेखिका क्या देखने के लिए बेचैन थी? तो लायुंग में जो लेखिका थी बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थे। लेखिका लायुंग के किस महीने में गई थी? तो अप्रैल महीने में गए थे। आगे है, लायुंग में स्नोफॉल लगातार कम होने का कारण क्या है? तो था प्रदूषण। क्या था? प्रदूषण। सिकमी युवक ने लेखिका को कहाँ जाने पर बर्फ़ देखने की जो है वो बात कहा था? तो कटाव जाने के बाद।
आगे हिसाना सना हाथ जोड़ी पाठ में निम्न में से कौन से भारत का स्विट्जरलैंड है, तो भारत का स्विट्जरलैंड है कटाओ। कटाओ लायुंग से कितना ऊपर था, तो जो कटाओ था वो लायुंग से महज 500 फीट और ऊपर था। लायुंग से कटाओ का सफ़र कितने घंटे का था, 2 घंटे का था। थैले में रखा हुआ महुआ कौन गटक गया था, तो गाय गटक गई थी। आगे है कि कटाओ के रास्ते में कौन सी चेतावनी लिखी गई थी, तो कटाओ के रास्ते में जो चेतावनी था वो था इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड और दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। किसने कहा कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, तो जितेन ने, किसने कहा था, जितेन ने। मनी की दृष्टि से स्विट्जरलैंड कटाओ था, कटाओ और भी सुंदर था स्विट्जरलैंड से। जितेन के प्रश्न कैसा लग रहा था, तो किसने जवाब दिया कि राम रोचो, तो लेखिका ने। लेखिका को बर्फ के दर्शन कहाँ हुए थे, तो कटाओ में बर्फ के दर्शन हुए थे। कौन टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ठीक है, कौन जो है वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, तो कटाओ नहीं था। कटाओ में कुल कितने दुकानें थे, तो एक भी दुकान कटाओ में नहीं था। किसने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था, शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता और दूसरों की अमंगल करने के भूल जाता, मिल्टन ने। सिक्किम किन देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो चीन और भूटान की सीमा। लेखिका जब फौजी छावनियों पहुंची तब वहां का तापमान कितना था, -15 डिग्री। वी गिव आवर टूडे फॉर योर टुमैरो, ये कहाँ लिखा था, तो फौजी के छावनी पर। युमथांग की घाटियाँ किन फूलों से भरी हुई थी, तो प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल से। युमथांग की घाटियाँ में किन जानवरों का दर्शन हुआ था, तो बंदर का। लेखिका द्वारा सिक्किमी युवती से यह प्रश्न पूछने पर कि क्या तुम सिक्किमी हो, उसने क्या उत्तर दिया था, नहीं मैं इंडियन हूँ। भारत में शामिल होने से पूर्व सिक्किम क्या था, तो सिक्किम एक स्वतंत्र राजवाड़ा था। पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं, तो सिर्फ चांदनी रात में। पत्थर पर किसने फुटप्रिंट था, तो गुरु नानक के फुटप्रिंट था। आगे है इसके बाद कि जितेन ने किस स्थान को देवी देवताओं का निवास बताते हुए कहा कि यहाँ गंदगी फैलाना नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो स्थान कहाँ था, वो था खेदुंग। आगे है कि सिक्किम की पहाड़ी में रहने वाले लोग किनकी पूजा करते हैं, तो नदी का, झरने का, पहाड़ का, यानी कि सभी का। गंगटोक का असली नाम क्या था, तो गंगटोक नाम था। गंगटोक का अर्थ क्या होता है, तो गंगटोक का अर्थ ही होता है कि पहाड़। युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो कैप्टन शेखर दत्ता को जाता है। किसको जाता है, कैप्टन शेखर दत्ता को। किसरे मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है, गंगटोक को। किसे देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई पड़ने लगी थी, तो वो जब देखे थे कि घूमते हुए चक्र को। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन से दृश्य ने झकझोर दिया था, तो पत्थर पर बैठकर पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतें के दृश्य ने झकझोर दिया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कृतिका भाग दो पुस्तक के आखिरी वीडियो के साथ। उसके बाद हम लोग उत्पाद सिपाही के सिलेबस के अनुरूप व्याकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।